नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते ने अब राज्य प्रशासन की सांसें फुलाकर रख दी है। पूरे उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में इसका जबरदस्त असर देखने को मिल सकता है। इसे देखते हुए प्रशासन ने सभी जिला कलेक्टरों को अलर्ट जारी करते हुए इन एरिया के अस्पतालों में बिजली ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए विशेष इंतजाम करने के लिए कहा है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने उदयपुर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 200 मिलीमीटर बारिश और 60 किलोमीटर गति से तेज आंधी चलने की आशंका। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा की माने तो इस चक्रवात का राजस्थान के दक्षिण पूर्वी एरिया उदयपुर और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जोधपुर संभाग पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा। उदयपुर, पाली, जालोर, राजसमंद, सिरोही और डूंगरपुर जिलों में 18 मई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही इन जिलों में 60 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवा चलने की भी आशंका जताई है। मौसम विभाग की अगर माने तो यहां 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। इन जिलों के अलावा जोधपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, अजमेर, बांसवाड़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, कोटा, बूंदी सहित अन्य जिलों के लिए भी 18 व 19 मई के लिए अलर्ट जारी किया है। इन एरिया में भी मौसम विभाग ने तेज बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर गति में तेज आंधी चलने की आशंका जताई है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टर के संग बैठक की। इसमें चक्रवाती तूफान से होने वाले नुकसान की आशंका को देखते हुए सभी जरूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष तौर पर कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन और बिजली का बैकअप रखने के लिए कहा, ताकि बिजली या ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से किसी मरीज की जान न चली जाए। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन करने और हर अस्पताल में जनरेटर सेट की व्यवस्था रखने के लिए कहा, ताकि आंधी के दौरान बिजली सप्लाई रुकने पर जनरेटर के जरिए आईसीयू वेंटिलेटर को बैकअप मिल सके। चक्रवात का असर बीती रात उदयपुर कोटा संभाग के कई इलाकों में देखने को मिला। उदयपुर, कोटा, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में बीती रात बारिश होने के साथ तेज हवा चली। कोटा में 11.7 और उदयपुर में 12.7 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे परेशान इन जिलों के लोगों को राहत मिली। यहां बीती रात न्यूनतम तापमान गिरकर 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।